डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आपका सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, जिन बच्चों को लैब असिस्टेंट की क्लास ज्वाइन करनी है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी ऑफ़र चल रहा है, ऑफ़र में आपको 899 रुपये में PDF मिल जाएगा और आपको सिलेबस का पूरा PDF मिल जाएगा। PDF में सारे नोट्स मिल जाएंगे और 2000 रुपये आपकी क्लास फीस है। इसमें आपको क्लास भी मिलेगी प्लस PDF मिलेगा, साथ ही आपको पूरा मेथड बताया जाएगा कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स आप ले लो, कौन से नोट्स आप तैयार कर लो, सब कुछ बताया जाएगा 2000 रुपये में और आपकी अच्छी से तैयारी कराई जाएगी। तो जिन बच्चों को क्लास ज्वाइन करनी है तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं लैब असिस्टेंट वाले। फीस आपकी 899 रुपये है PDF की, नोट्स की। तो जिन बच्चों को चाहिए वो जल्दी से कांटेक्ट कर लें। आज हम लोग उपभोक्ता शिकायत के बारे में पढ़ेंगे, ये आज हम लोग का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं शिकायत निवारण। तो कुछ शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है? तो अधिनियम की धारा 12 के अनुसार कोई भी उपभोक्ता जिसे माल बेचा गया हो या बेचने का अनुबंध किया गया हो, वह स्वयं या उसके मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ सदस्य या असदस्य के लिए शिकायत प्रस्तुत करने का अधिकारी होता है। शिकायत दर्ज कौन कर सकता है? देखिए, किसी सामान व सेवाओं के संबंध में शिकायत निम्नलिखित द्वारा दर्ज की जा सकती है। कोई उपभोक्ता, कंपनी अधिनियम 1956 अथवा कुछ समय तक प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत कोई स्वयं सेवी उपभोक्ता एसोसिएशन, केंद्र सरकार अथवा कोई राज्य सरकार, एक अथवा अधिक उपभोक्ता जहाँ अधिकांश उपभोक्ता का हित है अथवा उपभोक्ता की मृत्यु होने की दशा में उसका वैध उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि ऑल्टीधारी अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज नहीं कर सकता। शिकायत दर्ज से क्या तात्पर्य है? शिकायत का अर्थ है शिकायत द्वारा लिखित में कोई आरोप लगाया जाना किसी व्यापारी या सेवा प्रदाता द्वारा अनुचित व्यापार पद्धति अथवा प्रतिबंधित व्यापार पद्धति अपनाई जा रही है, उसके द्वारा खरीदा गया सामान अथवा जिस सामान को खरीदने के लिए स्वीकृति गई है उसमें एक या अधिक खराबी, उसके द्वारा ली जाने वाली सेवाएं या ली गई अथवा जिन्हें लिए जाने हेतु सहमति दी गई है अथवा जिन्हें ले लिया गया हो या किसी भी प्रकार की कमी हो, किसी व्यापारी या सेवा प्रदाता जैसे भी मामला है ने शिकायत में उल्लेखित सामान अथवा सेवा के लिए कुछ समय के लिए प्रवृत्त कानून अथवा उसके अंतर्गत निर्धारित सामान पर अथवा ऐसे सामान के पैकेज पर दर्शाए अथवा कुछ समय के लिए प्रवृत्त किसी कानून द्वारा अथवा कानून के अंतर्गत निर्धारित मूल्य सूची में दर्शाए गए अथवा दोनों पक्षों के बीच सहमत हुए मूल्य से अधिक मूल्य लिया हो, सामान जो प्रयोग करने पर जीवन सुरक्षा के लिए हानिकारक है, लोगों को बेचा जा रहा हो, सेवा प्रदाता द्वारा ऐसी सेवाएं जो प्रयोग किए जाने पर लोगों के लिए हानिकारक है अथवा हो सकती हैं दी जा रही हो, जिन्हें वह व्यक्ति ध्यान देने पर जान सकता हो या जीवन और सुरक्षा के लिए हानिकारक हो। शिकायत दर्ज करने का तरीका क्या है? शिकायत साधारण कागज पर दर्ज की जा सकती है। शिकायतकर्ता और विपक्ष का नाम, मतलब शिकायतकर्ता फिर विपक्ष का नाम यानी जिसके विरुद्ध शिकायत की जा रही है, विवरण लिखना है, फिर पता लिखना है, शिकायत संबंधित तथ्य क्या है, ये कब हुआ, कहाँ हुआ, शिकायत में लगाए गए आरोप के समर्थन में दस्तावेज, वह राहत जो शिकायतकर्ता पाना चाहता है, शिकायत पर शिकायतकर्ता या प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए, शिकायत दर्ज करने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय शुल्क नाम मात्र का है। उपभोक्ता शिकायत निपटाना प्रकोष्ठ, उपभोक्ता शिकायत निपटान प्रकोष्ठ, उपभोक्ता शिकायत निपटान प्रकोष्ठ की स्थापना फरवरी 2002 में की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, कब की गई थी, फरवरी 2002 में। प्रकोष्ठ को आपूर्ति वादों में कमी, सेवाओं में कमी के बारे में उपभोक्ता से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई। यह शिकायतें मुख्य रूप से निम्नलिखित संवृत्त थी, ऑटोमोबाइल सहित खराब घरेलू उपकरणों की आपूर्ति, टीवी सेट, घटिया निर्माण सामग्री, नियतकालिक जमा राशियों का रिफंड ना होना, कंपनियों से लाभांश प्राप्त ना होना, प्रकोष्ठ उपभोक्ता समन्वय
परिषद ने इन शिकायतों को समृद्ध विनिर्माताओं प्राधिकारियों विभागों के साथ उठाया ताकि इनका निपटारा हो सके। तो इसमें ये लाइन इम्पोर्टेंट है, उपभोक्ता शिकायत निपटारा प्रकोष्ठ की स्थापना फरवरी 2002 में की गई। उपभोक्ता शिकायत निपटान प्रकोष्ठ की स्थापना। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आप पेपर में पूछ सकते हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कल हम लोग मानक चिन्ह पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है, मानक चिन्ह बहुत बार पूछा जाता है, तो कल इम्पोर्टेंट क्लास है इस मानक चिन्ह की। नेक्स्ट क्लास में हम मानक चिन्ह पढ़ेंगे और इसको आप अच्छे से लिख लेना, आपको पेपर में पूछ सकता है। तो आज के लिए बस इतने ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मानक चिन्ह के साथ मिलते हैं, धन्यवाद। साथ ही जिन बच्चों को लैब असिस्टेंट के नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स की फ़ीस आपकी 899 रुपये है, क्लास करनी है तो उसकी फ़ीस 2000 रुपये है। तो जिनको जल्दी ज्वाइन करना है जल्दी से ले ले, ये ऑफ़र बहुत कम समय के लिए है, तो जल्दी से आप लोग ले सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मानक चिन्ह पढ़ेंगे।